ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने गांव-गांव को सड़क सुविधा से जोड़ दिया है, जिस कारण लोगों ने सरकार से अब इन सड़कों पर बस सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक सड़क जो ज्योली देवी से सहेली के लिए बनाई गई है, जिस पर सरकार ने करोड़ों खर्च कर 2017 में निर्माण तो कर दिया, लेकिन बस सुविधा न होने से करीब 5 गांव के बाशिंदे परेशान हैं। हालांकि लोगों द्वारा सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रम जनमंच में भी बस सुविधा के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, वहीं परिवहन निगम जल्द इस सड़क पर बस सुविधा मुहैया करवाने का दावा कर रहा है। बड़सर उपमंडल के ज्योली देवी से सहेली सड़क पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च तो कर दिए हैं, लेकिन इस सड़क पर कोई भी बस सेवा उपलब्ध न होने के चलते लोगों में रोष पनप रहा है। लोगों का कहना है कि 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा इस सड़क का लोकार्पण किया गया था, लेकिन आज दिन तक इस सड़क पर बस सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि स्कूल व कॉलेज जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती है। बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर बस सुविधा मिलती है। सबसे ज्यादा परेशानी उस समय होती है जब बारिश होती है, तो बच्चों को स्कूल व कॉलेज पहुंचने के लिए अधिक पैसे खर्च कर निजी गाड़ियां बुलानी पड़ती हैं। लोगों ने बस सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रम जनमंच में भी बस के लिए गुहार लगाई थी, मगर अभी तक सड़क पर बस सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं ग्रामीणों की माने तो सरकार ने इस सड़क के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो इस सड़क पर बस चलाई जानी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वहीं लोगों ने सरकार व परिवहन निगम से इस सड़क पर बस सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाई है। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पे एक सरकारी बस चलाई जाए, जो सुबह 9 बजे जाए और शाम को 4-5 बजे तक। और यहाँ पे सड़क बनी है तो हमें कोई सुविधा, बस की कोई सुविधा नहीं है, हमें पैदल जाना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी हो तो हमें गाड़ियाँ बुलानी पड़ती हैं, इसलिए सरकार